पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सुहागिन ने शुक्रवार को वट अमावस्या के अवसर पर वट वृक्ष का पूजन करेंगी। इस बार कोरोना अलर्ट के चलते घरों पर ही पूजन होगा। शास्त्रों के जानकारों ने भी मौजूदा हालातों में घर के आंगन में वट वृक्ष की डाल की विधि विधान से पूजन को विकल्प बताया है। करवा चौथ की तरह इस पर्व पर भी महिलाएं पति की लंबी उम्र और सलामती की कामना कर व्रत रख पूजन पाठ करती हैं। नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव ने बताया कि इस पर्व को अपने घरों पर ही मनाएं, धार्मिक स्थलों पर ना जाएं। नहीं, किसी को निकलने की जरूरत नहीं है, वो अपनी व्यवस्था अपने घरों में कर लें, आस पास वहाँ एक एक करके अपना कर सकते हैं, लेकिन धर्म स्थल पर जा करके